हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिशियस का तंदूरी चिकन। दोस्तों, पिछली बार जैसे मैंने आपको चिकन करी कट के बारे में बताया था, इस बार मैं आपको तंदूरी चिकन डिशियस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बता दूँ। इसका जो बेसिक प्राइस है वो मेरे को अराउंड पड़ा है 223.7 पैसा, 224 रुपये मान लीजिए। और जैसे आप देख रहे हैं डिलीवरी चार्जेस है 34.82 पैसा। तो ये कुल मिला के मेरे को अराउंड 270 के आसपास पड़ा था, लेकिन मेरा कुछ लिशियस के वॉलेट में पहले से ही कुछ पैसे पड़े हुए थे, इसलिए मेरे को डिस्काउंट मिला के 146 का पड़ा है। बट अगर आपके पास कोई भी वॉलेट में पैसे नहीं है तो ये अराउंड 270 का पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बॉक्स की पैकिंग काफ़ी अच्छे से है, काफ़ी हार्ड बाउंड है, और इसके पीछे इसका ये नेट वेट लिखा हुआ है, ये है 350 ग्राम्स का एक ये है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट रखी हुई है 14/12 और नेट वेट 350 ग्राम, और आप इसे 29/12/21 तक यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें कुकिंग के इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, इसे आप पैन मेथड से भी बना सकते हैं 5 से 8 मिनट में, और ओवन मेथड से भी 5 से 8 मिनट में बना सकते हैं। सारे इसके जो स्टेप्स हैं वो लिखे करके दिए हुए हैं, जब आप बनाएंगे आपको दिख जाएगा। दोस्तों, अब इसको अंदर से देखते हैं ये कैसा है। काफ़ी बढ़िया सी पैकिंग कर रखी है, और ये पूरा एक श्रिंक टाइप की फॉइल है जो कि सील्ड वैक्यूम पैक है, और ये पूरा ऐसे दे रखा है। कितना बढ़िया पैकिंग है, और ये पूरा मैरिनेट भी हो रखा है, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो भी कुकिंग इंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू बस बेक, मतलब तंदूर या आपको फ्राई पे पैन पे फ्राई करना है। और देखिए कितना बढ़िया पैकिंग है। तो दोस्तों, ये मैंने इसको बॉल में निकाल लिया है, और ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट से पीस हैं, और इसमें 4 पीस ऐसे दे रखे हैं, इसमें एक लेग पीस है और बाकी 3 अलग वैरायटी के हैं, और इसका बढ़िया से मैरिनेशन चारों तरफ से हो रखा है। इसको मैं जैसे खा के बताऊँगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा है, जिसमें कि काफ़ी बटर और चीज़ जैसा जैसा बटर चिकन में होता है उस टाइप का फ्लेवर आ रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको मैरिनेट कर रखा है। अब दोस्तों, इसको मैं अब जो पैन वाला तरीका है फ्राई करके उसकी तरह मैं बनाना चाहूँगा, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये बनके तैयार होता है। तो दोस्तों, जैसे इसमें लिखा है, हीट ए नॉन स्टिक पैन ओवर मीडियम हीट एंड एड 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। वैसे मैंने देखिए एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल के गरम कर लिया है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना भूली आपको, सॉरी, ये इसके साथ में एक ये स्पाइसी पुदीना की चटनी भी मिली है, जिसको आज बाद में जब बन जाएगा तो उसके बाद खा सकते हैं। दोस्तों, अब ये ठीक ठाक गरम हो गया, तो इसमें मैं सारे पीस डाल देता हूँ। अच्छे से पक रहा है अभी। तो दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया है, और ये इसकी चटनी निकाल ली है, काफ़ी ये देखिए पूरी तरीके से गल चुका है। तो दोस्तों, ये तंदूरी चिकन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो एक मैं जो इसके बारे में जो मेरी पर्सनल राय है वो ये है कि यह बिल्कुल भी तंदूरी चिकन जैसा तो नहीं है। हाँ, फ्लेवर वाइज ये बहुत बढ़िया है, बट तंदूरी का जो मज़ा है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये एक टाइप से बिल्कुल जैसे एक करी का मीट होता है चिकन, ये उस टाइप से है, जैसे बटर चिकन से आप पीस निकाल लो तो जो फ्लेवर आएगा वैसे ही फ्लेवर है। तंदूरी का इसमें कुछ भी मज़ा नहीं है।
तंदूरी का मज़ा अपना अलग ही होता है। और अगर मेरे को इसमें कोई रेटिंग देनी हो तो मैं इसको 10 में से केवल 4 नंबर दूंगा, वो भी केवल इसके फ्लेवर्स के और ये चटनी के। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय चैनल एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।